हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो मैं शाम से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सुबह टाइम नहीं मिला था कोई भी व्लॉग शूट करने का। टाइम मिलता है जब तो मैं वीडियो में अपलोडिंग पे लगा देती हूँ, तो मेरा अपना काम चलता रहता है और वीडियो बनती रहती है। पर सुबह मुझे याद भी नहीं आया और मैं भूल भी गई थी, इस वजह से अब बनाना शुरू कर रही हूँ वीडियो। कोफ्ते, और बहुत दिन हो गए बच्चे बोल रहे थे कि कोफ्ते बना दो, कोफ्ते बना दो। तो उसके लिए मैं पहले ग्रेवी तैयार करने के लिए इतना सब लहसुन छीन लिया था मैंने, और दो अलग अलग तरह से ग्रेवी तैयार करते हैं कोफ्ते के लिए। और मैं थोड़ा अलग तरीके से करती हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है इस वजह से। तो मैं पहले सबसे पहले दो प्याज, दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और इनको पहले तो मैं अच्छे से मतलब मसाले पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो मैं क्या क्या डालूंगी तो आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ ली है, दो बड़े प्याज लिए, इसको मोटा मोटा काटा मैंने, और टमाटर भी मैंने मोटे मोटे काटे हैं, और 8-10 मैंने काजू लिए हैं। और अभी तो इसमें थोड़ी सी मलाई भी फेंट के डालूंगी मैं, तभी जाके अच्छी सी ग्रेवी बनेगी, तभी मलाई कोफ्ते वो इसलिए पहले बना रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर मैं मिक्सी में पीस लूँ। जब तक मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी और फिर एक तरफ छौंक लगा दूँगी और एक तरफ निकाल लूँगी जो कोफ्ते तलूँगी मैं उसको। तो जब तक मेरे मसाले पकेंगे, जब तक मैं लौकी को छील के अच्छे से उसका पानी निकालूँ। अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो लौकी भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है मार्केट में, सब्जियाँ बहुत ताज़ी ताज़ी आ रही है पालक को छोड़ के। तो इनको लौकी अच्छी दिखती है तो कभी 1 किलो ले आते हैं, कभी 2 किलो ले आते हैं लौकी, जैसे इनको ठीक लगता वैसे। और सुबह सुबह कभी कभी मैं इनके लौकी का जूस भी बना देती हूँ इनको, जिस दिन पीना होता है उस दिन। और जिस दिन नहीं बनता या जूस या लौकी का हलवा, तो सादी सब्ज़ी तो कम खाते हैं हम लोग, पर दाल के साथ में अच्छे से सीटी लेके और बना देती हूँ दाल, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। पर आज तो मैं यहाँ कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लौकी जो कद्दूकस की थी उसका मैंने पानी अच्छे से निकाल लिया था, और इसमें मैं डाल दूँगी बेसन जितनी मुझे ज़रूरत होगी। और हम लोग जितने मसाले खाते हैं, थोड़ा तीखा ही खाते हैं हम लोग, तो उसी के हिसाब से मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। तो इसी तरह से बनाती हूँ कोफ्ते, और पसंद भी आते हैं सबको, पर कभी कभी बनाती हूँ, ऐसे ऐसा नहीं है कि प्लस कभी निकल जाते हैं, 3-4 महीने निकल जाते हैं मेरे, तभी बनता है। नहीं तो लौकी की सब्ज़ी, लौकी का हलवा ही बनता है, नहीं तो दाल के साथ में लौकी बना लेती हूँ। बहुत कम बनाती हूँ लौकी के कोफ्ते, तो मैं इस बार तो अभी बना रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम के बाद में। पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, मानगढ़ थी जब, उसके बाद ही बनाए। और ये बन गए हैं मेरे कोफ्ते, अब तो सिर्फ सब्ज़ी में डालने बाकी है। मसाला पकाया था वो अच्छे से ठंडा हो गया है, और अब इसको मैं पीस लूँगी मिक्सी की जार में, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ही पीसने में आता है, नहीं तो फिर मिक्सी का जार बाहर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और इसको पीस के फिर मैं कोफ्ते बना लूँगी। आप लोग किस तरह से बनाते हो कोफ्ते मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना, क्योंकि नॉर्मली मैं तो इस तरह से ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। मसाले मेरे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब मैं इसका क्या करूँगी कि पेस्ट बना लूँगी बिल्कुल बारीक वाला। तो पेस्ट बन के रेडी हो गया है, बहुत अच्छा, और कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और मलाई डालते हैं ना, तो फिर ये हल्का हल्का सा ऐसा, और हल्की सी मिठास आ जाती है, तो वो टेस्टी लगता है। और जब भी अगर मुझे बनानी होती है ना सब्जी, कोफ्ते या पनीर या कुछ भी ऐसा बनाना होता है ना, छोले भटूरे, तो मैं थोड़ी मेहनत करके सब्जी बनाती हूँ, बाकी तो बना लेती हूँ जैसे भी मुझसे बनती है। और किसी दिन मेरा मन करता है उस दिन अच्छे से टाइम लेके खूब सारा, फिर मैं सब्जी बनाती हूँ। खैर बनती तो डेली सब्जी है, पर ये होता ना कि किसी दिन अच्छा कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो बस आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा था, इस वजह से फिर आज कॉफ़ी बना। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है और सारे मसाले पहले ऐड कर दिए थे, इस वजह से सिर्फ मैं जीरा और हींग का ही तड़का लगाऊंगी। ये जो बनाई थी, और देखिए मेरे फेवरेट जामुन आ गए, और इनको मैंने धो लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पति देव एक दिन छोड़ के एक दिन ले आते हैं मेरे लिए, खासकर मुझे याद रख के। कितनी अच्छी बात है ना कि किसी इंसान को मैं किसी पल में याद रहती हूँ, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जैसे मेरी फेवरेट आइसक्रीम हुई, जामुन हुए, जैसे मुझे कुछ भी चाहिए होता ना,
तो शायद मुझे याद नहीं रहता पर उनको याद रहता है। तो इससे बड़ी खुशी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती कि कम से कम मैं कुछ टाइम के लिए याद तो आती हूँ, पर मेरे फेवरेट जामुन आ गए। बहुत मीठे लगते हैं, बहुत टेस्ट आता है, और ये बारिश के टाइम में ही आते हैं। बस खैर अभी बारिश होने लगी, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, इसी वजह से इस खुशी में कोफ्ते बने, मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा। तो फ्रेंड्स, मेरे जो किचन का काम था वो तो सारा ख़त्म हो गया है, पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि आज मेरे पतिदेव है ना कुछ शॉपिंग करके आए अपने लिए, उनके लिए, खुद के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए, अपने लिए लाए थे। और मैं भी उनके लिए कभी शॉपिंग करती हूँ ना, ये फिर पहले कभी की है, तो शायद मेरा लाया हुआ उनको कभी पसंद नहीं आया, वो वापस रिटर्न ही हुआ है। बस उनके अभी लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, जब ज़रूर मैं टी शर्ट लेके आई थी उसको ज़रूर मजबूरी में पहनते हैं क्योंकि मैंने एक्सचेंज नहीं करवाई थी। बाकी जब भी मैं टी शर्ट या फिर जीन्स शर्ट कुछ भी मैं उनके लिए लाई हूँ तो उन्होंने वापस एक्सचेंज करा के और अपनी पसंद का लेके आते हैं, मेरी पसंद का नहीं लेके आते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो क्या क्या लेके आए हैं अपने लिए और कि कौन से कलर लेके आए, जो हम लेके आते हैं उनके लिए उनको पसंद नहीं आते, और अपने लिए क्या लेके आए। एक तो ये टी शर्ट लेके आए हो, ये देखिए आप लोग, कलर बहुत प्यारा है। ऐसा कलर तो खैर मैं भी लेके आई थी पर उसमें बस ये जो बीच में तीन कलर है ना वो नहीं थे, बाकी यही कलर था। अब आप ही बताइए कलर मेरी चॉइस अच्छी है या नहीं है उनके लिए, आप मुझे ज़रूर बताना। तो ऐसा ही कलर मैं लेके आई थी उनके जब लगी थी तब, और उनके लिए एक ये लोअर लेके आए, और ये 3 पीस की शायद टी शर्ट लेके आए हो, उसमें से एक तो निकाल के पहन भी गए, तीन आई है, तीन कलर थे इसमें, ये तीन टी शर्ट लेके आए थे, मतलब तो एक तो पहन के चले गए और दो ये टी शर्ट है, और सही भी रही उनके। और ये आदि के लिए सॉक्स लेके आए, बस इतना ही लेके आए अभी, और शर्ट वगैरह जींस वगैरह अगर उनको लानी होगी तो वो मॉल से लेके आएंगे। और पर मेरी जो पसंद के कपड़े वो कभी नहीं पहनते, पर मेरी चॉइस भी अच्छी है। और उसके पापा का वेट कर रही हूँ क्योंकि जैसे वो आएंगे ना तो खाना वाना खा के फिर मैं घूमने चली जाती हूँ, मैं और मेरी आंटी और टिन्नी, हम तीनों जाते हैं, और प्रिंस भी जाता है। प्रिंस अभी एक बार गार्डन में घूमे आएगा, फिर एक बार और चला जाएगा,